हेलो एवरीवन मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटोमेशन ट्रेडिंग दिखाऊंगा वो भी ट्रेडिंग व्यू के साथ और इसको आप टोटली totally फ्री कर सकते हो इसका कोई चार्ज नहीं है कोई लिमिटेशन नहीं है और आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो तो मैं कुछ डेमो दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आप कुछ भी कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा जिसका नाम नेक्स्ट है और यहाँ पर आपको साइनअप करना पड़ेगा साइनअप करने के बाद आपको क्या करना है आपको ये यह यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम शो होगा आपको इसे ओपन कर लेना है मैं न्यू टैब पे ओपन कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हो मेरा यूजर नेम एक जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेपर ट्रेडिंग शो होगा आपको इस पर भी राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर देना है ये मैं अभी टैब ओपन इसलिए करा रहा हूँ कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ पर जब आप रियल टाइम में इसे करोगे तो आप एक बार इस चीज़ को लगाने के बाद अपना पीसी शट डाउन भी कर देते हो मोबाइल बंद भी कर देते हो जब भी आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी इसके साथ साथ जब हम होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर एक सेंटेक्स का पेज है इसे भी हम न्यू टैब पे खोल लेते हैं तो हमने चार न्यू टैब खोल ली एज आपको दिखाने के लिए तो ये चारों न्यू टैब खोल लिए अब हमें करना क्या है मैं वो बता देता हूँ हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाएंगे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर मैं अभी जो मार्केट ऑन है क्रूड ऑयल की मार्केट ऑन है तो क्रूड ऑयल ओपन कर लेता हूँ आपके सामने जो हमारी इंडियन मार्केट ऑन है उसमें क्रूड ऑयल है और यहाँ क्रूड आप कोई भी अपना स्टॉक ले सकते हैं कैश का यहाँ पर आपको बस ऑप्शन और फ्यूचर नहीं मिलेगा उसके लिए आप इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं बट मैं अभी आपको आप वैसे कैश के अंदर और एम के अंदर तो काम कर सकते हैं पर फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा चाहिए वो अभी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो मैं जून का क्रूड ऑयल ओपन कर लेता हूँ एज ए डैमो के लिए जून का क्रूड ऑयल ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पर जून का ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा देता हूँ जिसको मैं पहले डिफॉल्ट सेटिंग में कर लेता हूँ ये इंडिकेटर मैंने ही बनाया है और वैसे है सुपर ट्रेंड सिंपल सुपर ट्रेंड ही है ये बस इसके अंदर मैंने इसके अंदर ऑटोमेशन ऑन कर दी है और ऑटोमेशन में मतलब मैंने इसके अंदर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगा दिया है जिससे जो लोग रेगुलर ऑर्डर के साथ टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये चीज कर रखी बट अभी हम रियल ट्रेड की बात नहीं करेंगे हम पेपर ट्रेड की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस चार्ट को कर देता हूँ फाइव सेकंड के टाइम फ्रेम में जिससे कि मैं आपको जल्दी से जल्दी एल्गो ट्रेडिंग दिखा सकूं तो फाइव सेकंड के टाइम फ्रेम में जब मैंने चार्ट करा था कुछ इस तरीके से हो गया अब जो इंडिकेटर का इनपुट है उसको मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देता हूं जिससे इंडिकेटर और ज्यादा फास्ट हो जाए और आपको एक डेमो देखने को मिल जाए तो मैंने इंडिकेटर का इनपुट वन बाय वन कर दिया और इसके अंदर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस हाफ परसेंट है इसे वन परसेंट कर देता हूं पॉइंट वन परसेंट तो ये मैंने पॉइंट वन परसेंट कर दिया जो ऊपर लाइनें आ रही हैं वो टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की लाइन है तो अभी इंडिकेटर के बारे में नहीं बताता मैं बस आपको वैसे बताता हूँ तो मैंने ये चीजें लगा दी अब मुझे करना क्या है आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना है आपका डैशबोर्ड कहाँ पर है यहाँ पर है इधर आपको यहां से पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल कॉपी करना है इस पर क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा और यहाँ जाने के बाद आप जो भी इंडिकेटर में एज एग्जाम्पल इस इंडिकेटर को लगा के बता रहा हूं आप कोई भी ट्रेडिंग व्यू पे डेढ़ हजार इंडिकेटर है, आप कोई भी यूज कर सकते हो आप पर्सनल अपना डेवलप कर सकते हो अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है या आप ऑफिशियल इंडिकेटर यूज कर सकते हो पर एक चीज का ध्यान रखना अगर आप कस्टम इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो वो वर्जन फोर होना चाहिए क्योंकि पेपर ट्रेडिंग जो है जो ट्रेडिंग व्यू है वो पेपर ट्रेडिंग में डाटा उसी को सेंड करता है जो वर्जन फोर इंडिकेटर होता है ऑफिशियल इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के वर्जन फोर है जितने मैंने बना रखे हैं वो वर्जन फोर है बट कई इंडिकेटर वर्जन टू वर्जन थ्री वर्जन वन होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी आपको जो इंडिकेटर का ऑनर है उससे बोलना पड़ेगा सर इसे वर्जन फोर में कन्वर्ट कर दो तो वो कर देगा फिर आप पेपर ट्रेड कर सकते हो विथ ऑटोमेशन तो अभी हम क्या करते हैं हम लॉन्ग और शॉर्ट के अलर्ट्स लगाते हैं सबसे पहले हम इधर बेटा सेंटेक्स पे चलते हैं तो सेंटेक्स पेज पे आ गए हम और आपको होम पेज पे जब इस सेंटेक्स पेज पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा आपको इस पेपर ट्रेडिंग के पेज पे ओपन करना है और यहाँ पर ये जो ऑटोमेशन ट्रेडिंग फर्स्ट फॉर्म दे रखिये ये दे रखी एलेक्स ब्लू की अगर आपके पास ए है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पेपर ट्रेड कर सकते हो जिसके अंदर आप ऑप्शन और फ्यूचर दोनों पे काम कर सकते हो तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए जो टोटली फ्री है क्योंकि यहां पर एपीआई अगर आप ऐड करोगे तो आपको 499 पे करने पड़ेंगे मैं टोटली फ्री वाली बात कर रहा हूं कि फ्री में हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग करके अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करें या अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे इंप्रूव करें तो यहां पांच कोड है यह है सेमी ऑटोमेशन सेमी ऑटोमेशन का मतलब होता है ओनली बाय ओनली सेल यह है फुल्ली ऑटोमेशन फुल्ली ऑटोमेशन का मतलब होता है कि ओल्ड जो ट्रेड है उसे क्लोज करे और नई ट्रेड एड करे मतलब जितनी भी ओल्ड ट्रेड है उसे क्लोज करें और नई ट्रेड ऐड करें और ये है एक्टिव पोजीशन क्लोज अगर हमारी कोई पोजीशन एक्टिव है उसे क्लोज करें तो अभी इस डेमो के अंदर हम फुल्ली ऑटोमेशन डेमो देखेंगे तो जैसे कि आपको पता है पेपर ट्रेडिंग का मैंने पेज खोला था यहां से पेपर ट्रेडिंग करके और यहां पर कोई भी ऑर्डर नहीं लगा प्रॉफिट जीरो है प्रॉफिट परसेंटेज जीरो है ट्रेड ज़ीरो है एक्टिव ट्रेड जीरो है सब कुछ जीरो जीरो दिख रहा है तो अभी हम क्या करते हैं हम सेंटेक्स पेज पे चलते हैं और सेंटेक्स पेज पे जाने के बाद हम इस बटन पे क्लिक करेंगे बाय का कोड कॉपी हो जाएगा अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे आएंगे और यहां पर हम अलर्ट्स लगा देंगे तो अलर्ट्स लगाने के लिए क्या करेंगे अभी इंडिकेटर को हमने काफी फास्ट कर रखा है और मैं आपको दिखाता हूं तो हम क्या करेंगे हम इस पर क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे और यहां पर हम इंडिकेटर का नाम सेलेक्ट करेंगे यहां पर हम लॉन्ग करना चाहते हैं वंस पर बार कर देते हैं और यहाँ पर हमें यू आर एल ऐड करना था पेपर ट्रेडिंग का जो बाई डिफॉल्ट मैंने पहले से एड कर रखा है आपके पास ये नहीं होगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से यू आर एल ला के एड करना है यहाँ से लास्ट में आपको कोई कॉपी बॉक्स है इसमें लास्ट में मिलेगा इसे कॉपी पे क्लिक करोगे आपका कॉपी हो जाएगा तो मेरा यू आर एल पहले से है मैं अब यहाँ पर बाय का कोड डाल देता हूँ फुल्ली ऑटोमेशन का क्वान्टिटी अभी के लिए मैं वन कर देता हूँ ये आप कस्टमाइज कर सकते हो बाय ये टेन है इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो तो मैंने बाय का अलर्ट्स लगा दिया फटाफट मैं चलता हूं सेल का कोड कॉपी करके लेके आता हूं ये कॉपी बटन पे क्लिक करा और ये सेल का भी मैं लेके आ जाता हूं ये यहां गया और ये मैंने सुपर ट्रेन शॉर्ट कंडीशन लगाई मेरी शॉर्ट कंडीशन है और ये मैंने सेल अब जो भी मेरे अलर्ट्स आएंगे जब भी मेरी कंडीशन मैच होगी मेरे दो अलर्ट्स बन गए इस वॉच के आइकन पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा तो यहां देखिए मेरा एक अलर्ट्स आया है ये शॉर्ट का अलर्ट्स आया तो मेरा यहां से शॉर्ट हो गया तो मैं अपने पेपर ट्रेडिंग पे जाऊंगा तो आप यहां देखोगे सॉरी शॉर्ट जो हुआ है वो दस क्वांटिटी से हो गया तो हम बाय का भी टेन क्वांटिटी कर देते हैं नहीं तो ये पूरा जो हमने बनाया है पूरा गलत हो जाएगा हमने कोड चेंज नहीं करा था एक चेंज करा था बाय का और सेल का नहीं करा था अब बाय भी हम दस से कर देते हैं जिससे सही से चले तो दोनों दस दस कर दिए हमने तो अगर आप देखोगे दस क्वांटिटी से सेल हो गया है आप देख सकते हो इस प्राइस पे सेल हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं दिख रहा क्योंकि ये ट्रेड कठि नहीं है एक्टिव ट्रेड है जब ये कटेगी तो आपको ये दिखेगा तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये था कि आप कोई भी इंडिकेटर लगा के आप अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि वो इंडिकेटर कितना प्रॉफिटेबल है अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसके अंदर आप क्या फिल्टर लगाओ जिससे वो प्रॉफिटेबल हो सकता है पर ये सारी चीजें होगी ट्रेडिंग व्यू पे और ट्रेडिंग व्यू पे वर्जन फोर इंडिकेटर होना चाहिए या ऑफिशियल इंडिकेटर होना चाहिए जो ट्रेडिंग व्यू का है या हमारे इंडिकेटर हो मतलब वर्जन फोर होना चाहिए इन शॉर्ट ये कहूंगा अब यहां देखिए एक ट्रेड और आ गई अगर हम चार्ट पे चले तो चार्ट पे देखोगे कि लॉन्ग का सिग्नल आया था तो पर पर वहां अगर आप डाटा देखोगे तो डाटा के अकॉर्डिंग क्या करा जो शॉर्ट का सिग्नल था पहले उसे एग्जिट करा और फिर एक बाय ली क्योंकि हमने फुल्ली ऑटोमेशन लगा रखा था जिसके अंदर हमें बीस पॉइंट का लॉस हुआ परसेंटेज में ये जीरो पॉइंट एट परसेंट है और ऊपर हमें दिखा रहा है कि अब तक हमारी तीन ट्रेड हुई इस तरीके से आप डेली जितने मर्जी ऑर्डर लगा सकते हो बस यहां थोड़ी सी लिमिटेशन है वो मैं आपको बता दू वो लिमिटेशन ये है कि जैसे यहां पर 250 सौ ऑर्डर हो जाएंगे ये ट्रेड जो है 250 हो जाएगी तो आपकी ऑटोमेशन से जो भी ऑर्डर आएगा पेपर ट्रेडिंग में वो ऑर्डर आपको यहां पर शो नहीं होगा क्योंकि वो लेना बंद कर देंगे हम तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट पे क्लिक कर दोगे आपका डाटा डिलीट हो जाएगा फिर आपके ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे एक दिन में अगर आप एक लाख ऑर्डर लगाना चाहते हो तो एक लाख भी लगा सकते हो पर आपको हर ढाई सौ ऑर्डर के बाद डिलीट मारना पड़ेगा दूसरी बात ये डाटा हम रात को अगर आप गलती से डिलीट करना भूल जाते हो तो हम क्या करते हैं हमारा एक ऑटोमेशन चलता है जिससे ये रात को 12 बजे आपका हाँ हमारी लैंग्वेज में उसे क्रॉन जॉब कहते हैं एक क्रॉन जॉब चलती है जो रात को 12 बजे आपका ये डाटा डिलीट मार देती है तो ये ऑटोमेटिक आपका डाटा डिलीट हो जाएगा बारह बजे अगर आपको लगता है ये डाटा आपके काम का है आप अपनी एक्यूरेसी को सही से चेक करना चाहते हो तो आप सीवीसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो ये देखिए अभी तक करीबन सात ट्रेड हो गई अगर हम यहां पर जाएं तो लास्ट ट्रेड हमारी बाय की आई थी और अगर आप देखोगे चार सिग्नल आ गए तो इसके अंदर हमने फुल्ली ऑटोमेशन लगा रखा पुरानी ट्रेड क्लोज करे नई ट्रेड एड करे इस तरीके से चल रहा है इसके अंदर अभी मैंने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया अगर मेरे को टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाना है तो ये वाला कोड था जिसके अंदर मैं ये कोड डाल देता तो ये टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस भी लेने लगता तो मैं कहा डालता टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस जैसे बाई की साइड से यह टेक प्रॉफिट है जीरो पॉइंट वन परसेंट का और जीरो पॉइंट वन परसेंट का ये स्टॉप लॉस है तो इस तरीके से ये अगर ये हिट होता तो मेरे प्रॉफिट ट्रेड क्लोज हो जाती है और मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता बट मैं अभी आपको एज ए डेमो दिखा रहा था इसलिए मैंने करा जैसे कि आप देख सकते हो शॉर्ट आया फिर लॉन्ग आया ये मैं आपको बस सिग्नल दिखा रहा हूँ लाइव जिससे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो ऐसे रियल में भी ट्रेड होती है पर रियल ट्रेड में आपको पैड करना पड़ता है और आपको चीजें नहीं आती तो आपको दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो अब हम पेपर ट्रेडिंग के डैशबोर्ड पे चलते हैं तो आप देखोगे काफी सारी ट्रेड हो गई और ये ट्रेड अब दूसरे पेज पे भी पहुंच गई है दो पेज हमारे फुल हो गए अगर ऑर्डर की बात करें तो 11 ऑर्डर लग चुके हैं तो हम से फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे हमें लेटेस्ट ऑर्डर दिखेंगे तो जो लेटेस्ट एक्टिव है हमारा बाय एक्टिव है और टोटल ऑफ लॉस जो अभी चल रहा है वो दस पॉइंट का लॉस चल रहा है हमें जिसके अंदर से परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट का लॉस चल रहा है इस तरीके से आप पेपर ट्रेड कर सकते हो अभी के लिए हम इसे डिलीट मार देते हैं डाटा को हम क्या करेंगे अगर आपको पेपर ट्रेडिंग ऑफ करनी है आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद ऑल स्टॉप कर दोगे तो आपके जितने भी अलर्ट्स ये ऑफ हो जाएंगे रेड हो गए आप देख सकते हो इससे पहले ग्रीन थे ऑफ हो गए अब मैं चाहता हूं इसे डिलीट करना तो मैं इसे यहां से डिलीट भी कर सकता हूं कि मुझे ये अब चाहिए नहीं ये डिलीट भी हो गए अब मेरा जो डाटा है मैं आपको दिखा दूं पेपर ट्रेडिंग का वो यहां पर है मैं इसे सेलेक्ट करता हूं वन क्लिक करूंगा ये सारों पर सिलेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हो गया सिलेक्ट इसे डिलीट मार देता हूं और ये मेरे सारे ऑर्डर डिलीट यहां से सारा डाटा डिलीट लाइव आपके सामने अपडेट हो रहा था कई बार लाइव अपडेट नहीं होता तो आप इस मास्टर रिफ्रेश का यूज कर सकते हो अच्छा ये सारी चीजें करने के बाद जैसे मैंने इस पर इंडिकेटर लगा रखा था इसको करने के बाद आप पीसी को ऑफ भी कर सकते हो जब भी आपके ऑर्डर आएंगे ऐसा नहीं है कि आपको पीसी ऑन रखना है या हमारी वेबसाइट को ऑन रखना है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हो अब बात आती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं तो पहले मैं एक पांच मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं ये बहुत ज्यादा पांच, पांच सेकंड अच्छा एक बात पहले ये आती है कि मैं तो पेपर ट्रेडिंग आपको फ्री दे रहा हूं कोई लिमिटेशन नहीं है आप जितनी मर्जी पेपर ट्रेडिंग करो पर ट्रेडिंग व्यू क्या है कि ट्रेडिंग व्यू पे जब आप अलर्ट्स बना रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू अलाउ फ्री अकाउंट में अलर्ट्स नहीं करता तो इसका क्या इलाज है कि हम इसको फ्री यूज कर पाए तो इसका एक ही इलाज है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे न्यू अकाउंट बनाइए न्यू मेल आई से और गूगल पे सर्च करिए हाउ टू क्रिएट वर्चुअल कार्ड आप आईसीआई पॉकेट का वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं काफी सारे ऐप हैं जो वर्चुअल कार्ड बना के दे देते हैं आपको हंड्रेड रुपीज में टू हंड्रेड रुपीज में उस वर्चुअल कार्ड को आप अपने पेपल अकाउंट पे ऐड करिए पेपल अकाउंट पे ऐड करने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए और ट्रायल लीजिए न्यू मेल आई से तो इस तरीके से एक बार ट्रायल ले लीजिए ट्रायल ले लीजिए और सेकेंड टाइम आपको ट्रायल चाहिए तो आप अपनी कुकीज वगैरह डिलीट करिए और एक वीपीएस का यूज कर लीजिए तो और फिर दोबारा से सेकेंड टाइम आप ट्रायल ले सकते हो इस तरीके से आप मल्टी टाइम ट्रायल ले सकते हो और फ्री में ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हां अब मैं प्रॉफिट कर सकता हूं किसी भी स्ट्रैटेजी से जैसे मैंने बताया आपको इंडिकेटर पैनल पे ले चलता हूं यहां गए और हम गए पब्लिक लाइब्रेरी में यहां पर बहुत सारे इंडिकेटर हैं और करीबन डेढ़ हजार इंडिकेटर हैं जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेंगे आप अपने भी बना सकते हो आपको अपने बनाने के लिए बस पाइन स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है थोड़ा सी प्रोग्रामिंग की जो इनकी लैंग्वेज है उसको समझना पड़ता है आप कुछ भी अपना बना सकते हो उस पर ट्राई कर सकते हो इसी तरीके से आप कई लोग होते हैं जो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस पे काम करते हैं एज एग्जाम्पल कि वो एक ट्रेंड बना के चल रहे हैं कि भाई मुझे है ना ये मेरा रजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है तो वो इस पर भी अपना ऑर्डर लगा सकते हैं वो इस पर अलर्ट्स लगा देंगे कि हाँ भाई यहाँ आए तो बाय हो यहाँ आए तो सेल हो इस तरीके से अपने अलर्ट्स वगैरह लगा देंगे एज एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ अभी एक हॉरीजेंटल लाइन ले लेता हूँ कि ये मैंने एक हॉरीजेंटल लाइन बना ली कि भाई ये मेरा रजिस्टेंस uh, है और जैसे ये ब्रेक आउट होगा तो मेरा बाय हो जाए तो मैं राइट right क्लिक करूंगा राइट right क्लिक करने के बाद ओनली बाय चाहता हूं अभी तक हमने फुल्ली ऑटोमेशन देखा था तो हम इधर जाएंगे और पेपर ट्रेडिंग के इस कोड पे जाएंगे ये बाय का कोड है ओनली फॉर बाय ये फुल्ली ऑटोमेशन नहीं तो मैं बाय इस पे क्लिक करूंगा बाय का कोड कॉपी हो जाएगा इधर गया मैंने इसे पेस्ट करा अब जब भी लाइन इस जब भी कैंडल इस लाइन से टच होगी मेरा ऑटोमेटिक दस क्वांटिटी में क्रूड ऑयल बाय हो जाएगा आप एस निफ्टी कोई भी स्टॉक जो चार्ट आपको दिख रहा है उस चार्ट पे इंडियन चार्ट पे आप इस चीज को लगा के काम कर सकते हो और अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको इंप्रूव कर सकते हो तो अभी मैं जानबूझ के टिगर करा देता हूं जैसे मैं टिगर कराऊंगा यहां पर अलर्ट्स आएगा ये अलर्ट्स आया और अगर हम अपने पेपर ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएंगे तो यहां पर ये यह देखिए दस क्वांटिटी से इस प्राइस में बाय हो गया तो उस टाइम जो प्राइस चल रहा था वो प्राइस यही चल रहा था जिस टाइम ये टिगर हुआ था वो प्राइस उन्हें वहां भेज दिया तो आई होप आपको ये चीज पता हो चल गई होगी कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करें और ये टोटली totally फ्री है इस चीज के आप मजे लीजिए बस आपको एक साइन अप करना होता है नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे और इस चीज के आप मजे ले सकते हो प्लस आपको ट्रेडिंग व्यू के लिए मैंने बता दिया कि आप गूगल पे सर्च करिए वर्चुअल कार्ड कैसे बनाते हो और ट्रायल भी ले सकते हो तो सारी चीजें आपकी जीरो कॉस्ट में चलेगी बस आपको थोड़ी सी मेहनत ट्रेडिंग व्यू के लिए करनी पड़ेगी तो वो कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस तरह की वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी